नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को एक झटका दे दिया गया है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक हैं उनसे कहा गया है कि आपकी जो टेन्योर बढ़ाया गया है वो पूरी तरह से इलीगल है और आपको तुरंत जो है पद छोड़ना है क्या है पूरा मामला इसको समझेंगे असल में ई हो चाहे सी हो इन दोनों को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि इन दोनों एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार के द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किया जाता है ऐसी स्थिति में यह जो ईडी के निदेशक हैं मिश्रा जी ये आपको दिखाई देते हैं कि सरकार ने इनको 2018 के अंदर नियुक्त किया था कार्यकाल जो होता है वो होता है इनका दो साल का दो साल का कार्यकाल इनका पूरा होने के बाद इनको एक साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है फिर उसके बाद इनका जब कार्यकाल कार समाप्त होता है तो इनको एक साल का एक्सटेंशन और दे दिया जाता है फिर कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनको एक साल का एक्सटेंशन और दे दिया जाता है मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस तरह से जो आपने इनका टेन्य बढ़ाया है यह गलत है और टेन्यूर बढ़ाने के लिए क्या जो विधेयक वगैरह लाए गए थे जो पारित कराए गए थे इनके द्वारा कुछ कानून नए अमेंडमेंट कराए गए थे उनको भी आज जानेंगे न्यूज आप देखते हैं एक्सटेंशन ग्रांटेड टू ईडी डायरेक्टर इज इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है ये इलीगल है अब ईडी क्या है यदि हम इसको थोड़ा सा जानना चाहें तो डायरेक्ट्रेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसको आप नॉर्मली ईडी कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट कहते हैं इज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंडिया के अंदर कानून को पालन कराने के लिए कानून को कराने के लिए ये एक एजेंसी है एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी जहां भी पैसे से लेन देन की बात होती है पैसे से लेन देन की कोई समस्या होती है तो ईडी जो है वो पहुंच जाती है आपने अक्सर सुना होगा कि कंपनियों के जो हैं है, चाहे बीबीसी हो चाहे अन्य कोई एजेंसी है उनके ऊपर फिलहाल जो है मामला काफी ट्रेंड कर रहा है बायजूस को लेकर तो बायजूस के ऊपर भी ईडी के द्वारा ही रेड की गई थी जहां भी कंपनियों के अंदर या किसी एजेंसी के अंदर वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती हैं तो वहां पर ईडी जो है वो रेड वगैरह करती है इसीलिए इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में जाना जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज जो हमारे वित्तीय कानून है मुख्य रूप से उनको इन्फोर्स कराना इनका काम है एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया और भारत के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइम होते हैं पैसा लेकर भागने की घटनाएं हैं या फिर कंपनियों के द्वारा फ्रॉड किए जाते हैं उन सबको उजागर करना इसका काम होता है इट इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अक्सर हम देखते हैं हमें लगता है कि ये जो ईडी है ये आता है होम डिपार्टमेंट के अंदर गृह मंत्रालय के अंदर यह आता है लेकिन ये जो आता है यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में बहुत काफी महत्वपूर्ण यह जानकारी है द ऑरिजिन ऑफ दिस डायरेक्ट्रेट गोज़ बैक इन एक मई उन्नीस सौ छप्पन एक मई उन्नीस सौ छप्पन को इसका गठन किया था वेन एन एनफोर्समेंट यूनिट वॉज फॉर्म इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक डिपार्टमेंट हुआ करता था हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसके अंदर इन्फोर्समेंट यूनिट का गठन किया गया था द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट इज इन्फोर्स आर की द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेमली, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किन किन के मामलों में ये काम करता है, तो जो है इसके पास दो ऐसे एक्ट है Act, जहां भी की विदेशी मुद्रा को कोई आती है भारत से विदेश के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है गलत रूप से या फिर किसी अन्य देश का इन्वेस्टमेंट पैसा जो है भारत के अंदर आया है तो उसकी जांच इसके द्वारा की जाती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाला और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत के अंदर जो कानून है जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग को एक अपराध बताया गया है उसके अंदर यदि कोई केस होता है तो उसकी जांच भी ईडी के द्वारा की जाती है तो ईडी क्या होती है वो आप समझ चुके होंगे आप जानते हैं न्यूज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया है कोर्ट ने कहा है कि ईडी चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है कि कानून के अंदर ये जो है पूरी तरह से अमान्य है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कहा कि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को नहीं सही माना है मतलब कुल मिलाकर सरकार के द्वारा एक 2021 में कानून ही बना दिया गया था जब इनके खिलाफ एक पीआईएल दायर की गई थी जब पीआईएल दायर की सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए सरकार को कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं किस कानून के तहत आपके द्वारा किया जा रहा है तो जो दो साल वादा दो साल तक की जो पद वाला कानून था उसके अंदर एक्सटेंशन का प्रावधान लाने के लिए सरकार ने जो है कानून ही बना दिया था पार्लियामेंट से ये हैं जिनकी बात चल रही है संजय मिश्रा मिश्रा साहब फिलहाल ईडी के ये निदेशक पद पर थे संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था उन्हें नवम्बर दो में पद छोड़ना था लेकिन इससे पहले वे मई मैं 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल दो साल की जगह तीन साल तक कर दिया था कुल मिलाकर एक एक साल का इनको तीन बार एक्सटेंशन दिया गया था इसके बाद केंद्र सरकार नवंबर 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सी अधिनियम के साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाई केंद्र सरकार जो है लाती है एक ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है तो राष्ट्रपति साहब के द्वारा एक सीधे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई कानून लागू करना होता है तुरंत प्रभाव से तो अध्यादेश ला दिया जाता है तब भी जो है संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा और ईडी के चीफ का जो पद है वो रिक्त ना रह जाए इसके चलते अध्यादेश जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था इसके तहत सीबीआई और ईडी चीफ को एक एक साल के तीन सेवा विस्तार देने के प्रावधान हैं चाहे सीबीआई चीफ हो, चाहे ईडी के चीफ हो, अब इस प्रावधान के तहत अध्यादेश के तहत तीनों दोनों ही पदों को एक एक साल का टेन्योर का एक्सटेंशन दिया जा सकता है तीन बार के लिए इसी के चलते लाया गया था कि तीन बार तक इनके पद को बढ़ा दिया गया था और संसद में भी बाद में इसको पारित करा दिया गया था इसके बाद नवंबर 2021 में ही संजय मिश्रा को दूसरी बार एक साल के लिए सेवा विस्तार मिला था इसके बाद नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने तीसरी बार संजय कुमार मिश्रा को एक साल का एक्सटेंशन दिया था इसके मुताबिक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 को खत्म होना था लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन के आदेश को रद्द कर दिया ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जन जनहित याचिका एक दाखिल की गई थी अब ये जनहित याचिका जिसको कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से आप जानते हैं किसने दाखिल की थी तो कॉमन कॉज नाम का एक एनजीओ है उसके द्वारा ये दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में पारित आदेश को वापस लेने की केंद्र की अर्जी पर सवाल उठाया था इस आदेश में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को सोलह नवम्बर दो से आगे बढ़ाने से रोक दिया था अदालत ने मौखिक रूप से सरकार को कहा था कि बाद में विधायी परिवर्तन पहले के फैसले या फिर आदेश को वापस लेने या संशोधित करने का आधार नहीं हो सकते हैं फिलहाल तक की बात की जाए तो कहा गया है जो जुलाई का महीना है इसके आखिरी तक 31 जुलाई तक संजय मिश्रा साहब जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं इसके बाद इन्हें जो है एक, 31 जुलाई के बाद अपना पद छोड़ना है अब 31 जुलाई तक का ही एक्सटेंशन क्यों दिया गया है क्योंकि भारत के अंदर होने वाली है एक जांच जांच इसको कह सकते हैं एक रूटीन जांच होती है जो कि की जाती है एक संस्था के द्वारा इंटरनेशनल संस्था एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसके द्वारा देश के अंदर क्या हालात होते हैं ती दो तीन तरह की लिस्ट जारी की जाती हैं जैसे कि ग्रे लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट होती है तो इनकी जांच पर किसी प्रकार का प्रभाव फिलहाल ना पड़े तत्काल प्रभाव इसके लिए इनको पद पर बने रहने की अनुमति दे दी गई है उम्मीद है साथियों पूरा सेशन आपको पसंद आया हो समझ में आया हो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद